जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। सुस्त मत चलो, पैर चलाओ। ओहो, केले तो कब से पके हुए हैं बलू, थोड़ी देर होने से सड़ थोड़ी जाएंगे। अरे यो कोई ऐसे वैसे केले नहीं हैं, ये मेरे खास पेड़ के कुछ खास केले हैं। बलू, तुम्हें केले बहुत पसंद है, क्यों? सही कहा ना? और क्या, बचपन से मेरे फेवरेट हैं। एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें और ज्यादा पसंद हो केलों से ज्यादा? ये तो मुश्किल सवाल है, पर हाँ, एक खास मछली है जो मुझे पसंद है। ओ, कितनी टेस्टी होती है वो, सबसे बड़ी और सबसे कमाल की मछली। अरे किन बातों में लग गए, हमें केले खाने हैं। पर उस मछली का क्या? उसे भूल जाओ मोगली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही नदी में मिलती है, और वो नदी बहती है शेर खान के इलाके से होकर। ओ, क्या बात है, केले खाने का टाइम हो गया। मछली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो मोगली? बघीरा, शायद तुम भूल रहे हो, पता है आज बलू का बर्थडे है, इसलिए तो मैं उससे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। अब मुझे उसकी पसंद के बारे में पता है, मुझे जाना होगा बलू, बाद में मिलते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है मोगली, जब बलू ने वो मछली पकड़ी थी मैं उसके साथ था, और शेर खान हमारे पीछे पड़ गया था। हम दोनों साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र चलो। इस बार शेर खान से कोई नहीं बच पाएगा नमूनो। अरे वाह, ये तो बहुत पके हुए हैं। दोनों गायब हो गए, कहाँ चले गए दोनों? तुम्हें रास्ता तो पता है ना बघीरा? हाँ हाँ पता है मोगली, पर कहीं शेर खान को हमारे बारे में पता ना चल जाए। ओहो, घबराओ मत बघीरा, मत भूलो बलू हमारा दोस्त है, और अपने दोस्त के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। मोगली, बघीरा, कहाँ हो तुम दोनों? बिना देखे कहाँ चले जा रहे हो मोटू भालू? माफ करना इकी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्या तुमने मोगली और बघीरा को देखा? शायद देखा था। ओह, अच्छी बात है, तो बताओ वो किस तरफ गए हैं? बता सकती हूँ, पर इनाम क्या होगा? अच्छा इनाम? अच्छा, ये केला चलेगा? मेरे पीछे आओ। यहाँ से शेर खान का इलाका शुरू होता है, इसलिए हर पल चौकन्ने रहना, समझे? मैं उस बूढ़े बकवास और बेवकूफ शेर खान से नहीं डरता। यहाँ से शायद वो शेर खान के इलाके में गए होंगे, पर पक्का नहीं कह सकती। शेर खान के इलाके में पक्का कह रही होई कि? एक प्रॉब्लम है बलू, जब तक मेरा पेट खाली होता है मुझे ठीक से याद नहीं आता। खाली है, पर अभी तो तुमने केला खाया था ना। अच्छा बाबा, ठीक है। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, चलो। पुल नाजुक लगता है, कोई और रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल है, पर वो सीधे शेर खान के नजदीक होकर जाता है। फिर तो पुल का रास्ता ही सही है, तुम पहले जाओ। आराम से आना मोगली, घबराने की जरूरत नहीं है। कसके पकड़ो मोगली। यही हश्र होता है उनके साथ जो शेर खान के इलाके में बिना इजाजत के आते हैं। सही कहा शेर खान, तुम जो भी कहते हो सही कहते हो शेर खान। आराम से
इंसानी बच्चे, हर बार कैसे बच जाता है तू? बाय शेर खान। शुक्रिया बघीरा मेरी जान बचाने के लिए। कब तक बचेगा? ये नदी की तरफ ही जा रहे हैं, वही खेल खत्म कर देंगे। हाँ शेर खान, पर ये मत भूलना ये सारा प्लान किसकी वजह से बना है, इसलिए छोटी हड्डी तो बनती है। शहर बसने से पहले ही डाका डालोगे? हम शेर खान के इलाके में हैं, अब बोलो कहाँ चलें? मैंने उन्हें कहीं जाने के बारे में बात करते सुना तो था, पर क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और दिमाग नहीं चल रहा। कितना बड़ा पेट है तेरा? बोलो क्या बातें कर रहे थे वो? वो किसी नदी के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। क्या नदी? सच में? और अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे उस शेर खान के इलाके से दूर रहना है, आगे का काम तुम खुद संभालो। लो पहुंच गए, यही वो जगह है। देखो तो सही कितनी बड़ी मछलियां हैं। अब बस हमें एक पकड़ के ले जाना है। मैं पानी से दूर रहूंगा। मैं पकड़ता हूँ ना, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे हाँ, ये फिशिंग रॉड है, इंसान की चीज। याद है ना मैंने बलू के साथ फिशिंग कॉन्टेस्ट किया था और मैंने रॉड इस्तेमाल करके कितनी सारी मछली पकड़ी थी। और आज मैं इस रॉड से एक मछली निकालूंगा और बलू को गिफ्ट करूंगा। बहुत अच्छे मोगली। शेर खान, तुम्हें कैसे पता कि हम नदी की तरफ आ रहे हैं? ये मेरा इलाका है इंसानी बच्चे, बिना मेरी इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वैसे मैंने तुम्हें ये बताया था शेर खान। कहा था ना जब तेरी बारी आएगी तब बोलना गीदड़ कहीं के। और रही बात तुम्हारी मोगली, कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं आ रहा हूँ मोगली। नहीं बघीरा, पानी का बहाव बहुत तेज है। अरे शेरखान, ऊपर तो देखो। ओ अच्छा इंसानी बच्चे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ मोगली? देख लूंगा तुझे मोगली, शेर खान को उसके इलाके में हराने वाला कभी नहीं बच पाएगा। शुक्रिया बलू, आज तो बाल बाल बचे। और क्या? और तुम शेर खान को मेरे बारे में क्या बता रहे थे? तुम क्या चाहते थे? मुझे उस लकड़ी से नीचे उतरना था बलू, वरना मैं भी नदी में गिरने ही वाला था। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर तुम यहाँ क्यों आए थे? ये लो बलू, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मोगली? मेरी फेवरेट। और तुमने ये अपने आप पकड़ी है ना? ये हुई ना बात, मतलब आखिर तुम्हें मछली पकड़ना आ ही गया। मजा आ गया, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तुम्हारा शुक्रिया मोगली। दोस्तों को नो शुक्रिया, है ना बघीरा? हाँ बात तो सही है। रुको, मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए खास बचा कर रखे हैं। ओह
तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल गए। अच्छा हुआ इसे मैं मिल गई, इसे सही रास्ता जो बताया है ना बलू। हाँ वो तो तुमने बताया ही था। तो मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए ना। तो क्या मिलना चाहिए, शायद एक केला। हाँ ठीक है, ये लो खा लो। मूड खराब मत करो बलू, हम सब मिलकर खाते हैं ना। हैप्पी बर्थडे। फियोना रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मोगली फिर से लेट होगा। क्या कह रहे थे तुम, अब बोलो ना। फियोना जल्दी आओ, अकेला कुछ बोलना चाहता है। पर मैं सभी भेड़िये दोस्तों का स्वागत है। वक्त आ गया है जब हमें खाने के भंडार भरने हैं। तो क्या आप भैंसों का शिकार करने के लिए तैयार हो? हम दो झुंड में हमला करेंगे। एक झुंड की अगुवाई मैं खुद करूंगा और दूसरी टीम का लीडर होगा मोगली। आज पता चलेगा कि मोगली में कितनी काबिलियत है। पर मैं इससे बड़ा हूँ और मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मोगली का झुंड सबके लिए खाना जरूर इकट्ठा करेगा। अगर तुम शिकार से खाना नहीं ला पाए तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा मोगली? पता है ना, मुझे फिर खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके बाद कभी भी झुंड का लीडर नहीं बनाया जाएगा। मोगली तुम्हारे झुंड में होंगे लाली, बाला और फियोना। ये तीनों तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, इसलिए होशियारी और प्यार से काम करना। जरूर। मोगली का झुंड सबसे ज्यादा और टेस्टी खाना लाएगा। मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये जानते हो ना कि हमें कहाँ ले जा रहे हो? हाँ मुझे पता है। शायद मोगली हाँ? जल्दी चलो, लाली को एक भैंसे की बू आ गई है। कहा था ना अपने लीडर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा फियोना। चलो धीरे धीरे पढ़ो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ऑर्डर्स खुद भी माने। अफसोस। अकेला भैंसों को भनक लग गई है। कमाल है दारुका, और सामने ही है हमारे पिछले मौसम का दुश्मन। हम सभी को इसी की तो तलाश थी, है ना? एक भूरा भैंसा हमारे इस जंगल में आज तक का सबसे बड़ा शातिर और सबसे खतरनाक भैंसा। इसे हराने के लिए पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हम जितने हैं काफी हैं। जल्दी आओ, इस बार उसे दबोच लेते हैं, कहीं वो फिर से ना भाग जाए। अगर मोगली और उसके झुंड को वो सफेद भैंसा मिल गया तो? अरे नहीं, तुम ऐसा सोचो भी मत रक्षा। समझ नहीं आ रहा, तुम सबको भैंसे की बू आ रही है पर मुझे तो उनके पैरों के निशान ही नहीं दिख रहे। शायद तुम उतने अच्छे खोजी नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो ना। देखो वो रहा। अब सबसे हमला कराने का काम तो झुंड के लीडर का ही होगा, है ना? क्या हुआ, पहले कभी कछुओं को खुजाते नहीं देखा? अरे नहीं, वो बस मुझे सिंगों को देखकर लगा कोई भैंसा है। वाह क्या शिकार ढूंढा है, दो बूढ़े कछुए, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं मोगली। ओ, जब मुझे ताजा पैरों के निशान नहीं दिखे थे मुझे तभी समझ जाना चाहिए था।
हमें एक प्लान की जरूरत है। वो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मेरे पीछे आओ, हम और ऊपरी इलाके में जाएंगे जहाँ से हमें भैंसे दिखेंगे। क्या नजारा है, पर अफसोस एक भी भैंसे नजर नहीं आ रहे। इसी रास्ते से हम सबसे ऊंची जगह तक पहुंच सकते हैं। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते मोगली। जाना तो होगा वरना हमें शिकार नहीं मिलेगा। आराम से जाना मोगली, अगर मोगली वापस नहीं आया तो फियोना हमारा लीडर बन जाएगा। मैं पहुंच गया, अब बस भैंसों को ढूंढना है। मुझे देख गए, वो सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अभी निकलेंगे तभी वो भैंसा हमारे बाद वहां पहुंचेगा। बस यही तो जानना था मुझे। फियोना, तुमने ये जानबूझकर किया। खामोश, अपने नए लीडर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? क्या नया लीडर? जो भी काम तुमने छोड़ा है, बड़े भैया होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। लीडर फियोना के साथ चलो दोस्तों, अभी। उसे तीनों तरफ से घेर लो, वो नहीं बच पाएगा। बाला, तुम उन पत्थरों के पीछे छुपो। लाली, तुम उन झाड़ियों के पीछे छुपो। हम छुपे? पर हम तो यहाँ पर शिकार करने आए हैं ना। जब तक मैं उन भैंसों को इस घाटी की तरफ नहीं लाता, तुम दोनों छुपे रहना। तैयार रहना, मेरा इशारा सुनते ही उनका रास्ता रोकना। काम बहुत आसान है, जरूर होना चाहिए। काश मोगली ही हमारा लीडर होता। वक्त आ गया है खुद को एक असली झुंड के लीडर साबित करने का। लाली, बाला, भागो भागो। ज्यादा हिलना डुलना मत दोस्तों। ये हुई ना बात, हमने कर दिखाया दोस्तों।
शिकार किया गया खाना सर्दियों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तुमने वाकई कमाल का काम किया मोगली। हमने मिलकर काम किया, हमारा झुंड बहुत अच्छा था। पर तुम सबसे अच्छे लीडर हो। फियोना, तुम बड़े शांत हो, तुमने कुछ किया भी या नहीं? हाँ किया ना, अगर फियोना मुझे उस पहाड़ी में नहीं फंसाता तो हम ये भैंसा नहीं पकड़ पाते। और इसने हमें घाटी में भी गलत जगह दौड़ाया। और तो और उसने हमें मुसीबत में भी डाला। ये तो मदद जैसा नहीं लगता फियोना। मोगली के झुंड ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और साथ ही मोगली लीडर ने भी।